कार मंच टॉक का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने फेसबुक लाइव का ये पहला अवसर मुझे उपलब्ध करवाया है और ये बहुत ही मेरे को एक अच्छा और सुंदर लग रहा है। और जनसरोकार मंच की हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। इस मंच के माध्यम से हमारे टोंक जिले में लगभग कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, सैकड़ों प्रतिभाएं जो इस मंच के माध्यम से सामने आई है। और मंच के जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे भाई साहब देवेंद्र जी, उनके बारे में तो मैं मानो आपके उनका तो पूरा शरीर और उनकी हर बात ही सीखने योग्य है। जब भी वो मेरे से मिलते हैं हमेशा एक ही बात कहते थे, हंसराज जी आप कुछ लिखा करो, आपके काम को आप थोड़ा डायरी लेखन करो। और उनकी जो मृदुल आवाज और जो मीठी मुस्कान है वो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देने वाली रहती है। तो ऐसे जनसरोकार मंच जिसने हमारे टोंक जिले में बहुत सारी संवाद के कार्यक्रम, शिक्षा विमर्श के कार्यक्रम, नाटक के कार्यक्रम, कहानी कविताओं के कार्यक्रम, मतलब पूरे जिले में हर क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने का कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे जनसरोकार मंच को और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिचर्चा में। तो आज हमारी जो पुस्तक है जो रमेश दवे जी ने लिखी थी, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी, बहुत ही इंटरेस्टेड पुस्तक है। तो मैं पुस्तक पर चर्चा करने से पहले थोड़ा मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम हंसराज तंवर है, बनेठा का रहने वाला हूं और 1993 से मैं अध्यापक पद पर काम कर रहा हूं। अभी जून 19 से मैं बिलोता उच्च माध्यमिक विद्यालय में हूं। इससे पूर्व बनेठा के पास ही कीरो की झोपड़िया उच्च प्राथमिक विद्यालय था, वहां पर मैं 10 वर्ष कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में रहा। इसके साथ मैंने और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षक पढ़ाने वाला नहीं होता है, पढ़ने वाला होता है। दिव्य स्वप्न है अपने गिज्जू भाई, इसके अलावा असफल विद्यालय है जेम्स वाट सर की, इसके साथ मैं नहीं पढ़ूंगी, ये रमेश जी दवे जिस पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। राज समाज और शिक्षा है कृष्ण कुमार जी की, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। अभिभावक और बच्चों के सवाल जवाब जो हमने गिज्जू भाई की है, चिट्ठी लेखन, भाषा शिक्षण, यानी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो वास्तव में शिक्षकों को बहुत ही हर चीज उनको सिखाने वाली है। और इन सब पुस्तकों के पढ़ने से ही 1993 में जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो लगभग आज 27 साल की सेवा हो गई, लेकिन 10-15 साल तो लगभग यू ही मानो आपके 10-12 साल तो वही डर्रा पुराना जैसा था, केवल नौकरी करना था। लेकिन जब 2009 से मैं कीरों की झोपड़िया में मैं आया और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथियों से मेरे को सपोर्ट मिला, तो मेरे कार्य को समझकर करने की मेरी समझ बेहतरीन बनी। और फिर मैंने बहुत से तरीके अपने काम के बदले, जब मैं कीरों की झोपड़ी विद्यालय में आया तो वो शिक्षक विहीन विद्यालय था, मेरे से पहले एक मैडम थी जिसको व्यवस्था लगाया था मेरे आते, वो भी चली गई, मतलब पूरी 5 क्लासें और 50 बच्चे, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई वो। लेकिन मैंने अपने काम के तरीके बदले और उन तरीकों के आधार पर ही, और ये सब तरीके और ये सब चीजें मुझे इन किताबों से मिली, इन एपीएफ के साथियों से मिली, इनसे इन चीजों को समझने में मेरे को बहुत इन लोगों ने सहयोग किया है। और आज इस मंच पर भी जो ताकत और उत्साह और हौसला बना है वह भी इसमें इनका बहुत हाथ है। तो इस तरह मेरी ये शिक्षा का सफर चलता रहा। अब आप पुस्तक पे जो चर्चा कर रहे हैं
उस पुस्तक के लेखक के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे दें। पुस्तक रमेश जी दवे ने लिखी है, जो भोपाल में रहते हैं और उज्जैन के पास साजापुर में उनका जन्म हुआ था 1935 में, और इस पुस्तक को उन्होंने 2004 में लिखा है। पुनः मुद्रण इसका 2009 में हुआ था। और पुस्तक लिखने से पहले वह मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षा विभाग में बहुत ऊंचे पदों पर रहे हैं रमेश जी दवे। उन्होंने शिक्षकों को, बच्चों को, अभिभावकों को और इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को और स्कूली व्यवस्था को भी बहुत नज़दीक से देखा है। उन्होंने देश में, विदेश में सब जगह भ्रमण किया है, सबके अनुभव लिए हैं और उसके बाद में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। तो इस पुस्तक में जो वर्तमान में हम समाज में भी एक बहुत बड़ी धारणा ऐसी है कि वास्तव में सरकारी विद्यालय की ज़्यादा अच्छी क्रेडिट नहीं है, अच्छे विद्यालय नहीं होते हैं, लेकिन ये सब कहते हैं, लेकिन इसका विकल्प कैसे और क्या काम होना चाहिए या कैसे इनमें हम स्कूलों में हम सुधार कर सकते हैं, इस पर बहुत कम बात होती है। तो इन्होंने उन कारणों की भी खोज की है और उन कारणों के साथ साथ वो चीज़ें भी बताने का प्रयास किया है कि हम इस तरह अपने कार्य में बदलाव करके निश्चित रूप से हमारे सरकारी शिक्षा की हम एक अच्छी इमेज दे सकते हैं। ये इनका लिखने का इसमें मुख्य इनका इस किताब का ध्येय था। पूरी शिक्षा व्यवस्था और स्कूली व्यवस्था के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। इसी प्रकार इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं और शिक्षा में इनकी 3-4 किताबों का मेरा नाम लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक किताब है इनकी कि शिक्षा सूचना है या सोचना है, शिक्षा सूचना है या सोचना है। एक आनंद का विद्यालय, खुशी का विद्यालय खोजें, एक बेहतरीन शिक्षक और बेहतरीन शिक्षा, ये 3-4 किताबें इनकी इतनी बेहतरीन किताबें हैं शिक्षा के मायने में कि वास्तव में वर्तमान में जो 40-50 से अपनी शिक्षा चली आ रही है, कोठारी आई 1964 के बाद से ही, तो अभी भी ऐसा लगता है कि वास्तव में इन्हें जो वर्णन कर रहे हैं सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कोई ज्यादा बदलाव देखने को 40-50 सालों में आया नहीं। तो इन्होंने उन सारी चीजों को समेटते तो इन किताबों को लिखा है। साथ में ही इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार होता है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, जो इनको मिला हुआ है। एक खेल गुरु इनकी उपन्यास है, उस पर भी इनको पुष्पांजलि पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत सारे नाटक संग्रह भी हैं इनके, कहानी संग्रह भी हैं, कविता संग्रह भी हैं, यानी ये बहुत अच्छे शिक्षा के साहित्यकार, शिक्षा में समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। और इस पुस्तक को इन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला देवी और अपने पिताजी के स्मृति में इसको लिखा है, और उन सबके लिए भी लिखा है जो या तो स्कूल में है या स्कूल के बाहर यानी स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से इनकी पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको नए सिरे से सोचने के लिए पुस्तक मजबूर करती है, ऐसा मैंने भी माना है। क्योंकि इनकी पुस्तक के आधार पर ही मैंने मेरे विद्यालय में भी बहुत से काम किए हैं और उनका रिजल्ट मेरे को मिला है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि वास्तव में इनकी पुस्तक सही मायने में इनके जो अनुभव है वह इन्होंने खुद परखा और जांच के ही सारी चीजें इन्होंने ली है, क्योंकि ये हर शिक्षक और हर बच्चे से बातचीत करके लिखा है इन्होंने। तो इसी तरह के मेरे बहुत सारे अनुभव हुए। जब मैं 2009 में आया तो वहाँ के बच्चे डरे डरे रहते थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे, कोई भी बात पूछो आप एक जवाब दिया और वह वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे। मैंने सोचा यार 50 बच्चों में अकेला शिक्षक कैसे काम करेगा, 5 कक्षाएं हैं। तो फिर मैंने कुछ बदलाव अपने तरीके में बदलाव किया, मैंने मेरी असेंबली से शुरू किया जो अपन मॉर्निंग असेंबली करते हैं, उसमें मैंने कुछ बदलाव किया और वहीं से मैंने कुछ ऐसे काम करने शुरू करवा दिए बच्चों से, जो बच्चे सोचने का काम शुरू कर दिए, बच्चे कहानी में कुछ अधूरी कहानी उसको पूरा करने का काम वहीं होने लग गया। एक बहुत अच्छी गतिविधि हमने शुरू करवाई गांव का अखबार, क्योंकि अखबार सब स्कूलों में आता है, बच्चे पढ़ते हैं, उसके आधार पर भी बच्चों का सोचना हुआ। और मेरे को लगभग मेरे वहाँ 1.5-2 घंटे तक प्रार्थना सत्र पूरा चलता था। इसी बीच
एक दिन मेरे को वाद्य यंत्र, सब विद्यालय में होते हैं, तो मैंने वाद्य यंत्रों का भी उपयोग करने की सोची। मेरे को वाद्य यंत्र आते नहीं है, लेकिन मैंने बच्चों को अवसर दिया तो बच्चों ने कहा ठीक है हम करेंगे। 2-3-4-5 दिन बच्चे वैसे ही बजाते, हमने प्रार्थना उनसे शुरू कर दी, कोई लय ताल नहीं मिल रही थी उनकी। लेकिन जो हिम्मत करता है, काम करता है, ईश्वर उसकी भी मदद करता है। तो वहीं गांव में 2-3 जागीन की जो रुचि वाले व्यक्ति थे, उन लोगों ने जब देखा कि यार स्कूल में प्रार्थना इस तरह हो रही है, तो उन्होंने भी सहयोग करने के लिए वो भी आगे आए। और एक रामचरण जी सर हैं जो भी निवाय दहलोद में हैं, उनका भी वहाँ समायोजन 6D में वहाँ आ गए वो। तो वहाँ आने के बाद उन्होंने, वह थोड़े जानकार थे, तो उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और आपको ताजुब होगा, मेरा एक हंसराज गुजर बनेटा यूट्यूब चैनल बना रखा है, उस पर लगभग 100 से ऊपर वीडियो हैं विद्यालय के, आपको टाइम मिले जब देखना आप। 2-3 बच्चे इस तरह का ढोलक बजा लेते हैं आज की तारीख में कि निश्चित रूप से 1,000-1,100 रुपये कहीं भी नहीं गए। तो मेरा यह भी मानना है कि विद्यालय में पढ़ाना पढ़ाना नहीं, हमको काम सिखाना है। पढ़ाने से आज से यहाँ कुछ काम सीखे बच्चे, और वो काम सीखना ही उनके जीवन का आनंद बनेगा। क्योंकि शिक्षा का सही उद्देश्य यही है कि बच्चा अपने भावी जीवन को खुशमय जीवन, उसको खुशहाली से जी सके। तो जब बच्चा इन सब चीजों को सीखता हुआ जाएगा, क्योंकि विद्यालय में हम बच्चों को काम करना कम सिखाते हैं, क्योंकि विद्यालय में पुस्तकें भी है, बच्चे भी हैं, अध्यापक भी हैं, लेकिन पाठ्यक्रम भी है। तो हमारे एक वही जो चीज रहती है कि पाठ्यक्रम को कैसे पूरा किया जाए, किताब का पाठ कैसे पढ़ा जाए। एक बहुत अच्छा सवाल भी है इसमें, बहुत सारे शिक्षक वर्ग से पूछा भी हमने प्रशिक्षण में भी। मैं 2-3 साल से 4-5 साल से काम कर रहा हूँ कि भाई हम बच्चों को विद्यालय में हम किसको पढ़ाते हैं, तो लगभग सबने कहा साहब बच्चों को पढ़ाते हैं। जब सबकी यही राय थी तो उसको हमने इस तरह दोहराया कि भाई बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सुना तो यही कि हम पाठ पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पाठ को पढ़ा रहे हैं? अर्थ तो वही है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ यही है कि पाठ को पढ़ाना और उसके प्रश्न उत्तर कराना ये कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा के मायने हैं सीखना, और सीखना। तो इस तरह से मेरे भी कुछ अनुभव विद्यालय में, जो ये सारी चीजें इस किताब से ही निकल के आ रही हैं। जब बच्चे वहां बोलेंगे नहीं तो बताओ आप क्या काम कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला गोल यही रखा मेरे विद्यालय का कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति करने में बेहिचक अपनी बात को रख सके। इसके लिए ऐसी संस्कृति हमने बनाई विद्यालय में कि वहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं, सभी निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, सभी बच्चों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो भावी नागरिक हैं। अब सब कुछ उनमें समझ भी है, केवल बढ़ेंगे तो उनके केवल अनुभव बढ़ेंगे, बाकी और कोई ऐसा परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हमने उसको एक नागरिक के रूप में समझकर उनके साथ सारी चीजें करते थे। तो आप ताजुब करेंगे, बच्चों के इस तरह के प्रश्न आने लगे कि मैं खुद सोचता था कि अब बच्चों में ये चीजें क्षमता पैदा होती जा रही है। एक दिन पढ़ा रहा था मैं पाठ, जल है जीवन है, तो भाई जल के बिना जीवन नहीं है। तो एक बच्चा है जिसने कक्षा 4 में था, वो उस समय गब्बर सिंह नाम था, उसने पूछा सर चीटा तो कभी पानी नहीं पीता है, आपने कभी चीटे को पानी पीते देखा क्या? मैंने भी वास्तव में, मैं भी एक मिनट रुक गया कि वास्तव में कभी देखा तो नहीं। एक बार बच्चे पूछ रहे हैं बीज का उपचार की बात थी कि सर बीज का उपचार करते हैं अपन, बीज बोने से पहले तो जो हल्के बीज है या खराब बीज है जो, वो है उनको अगर अपन पानी में डालते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, और अच्छे ऊपर तैरते हैं और अच्छे बीज नीचे बैठ जाते हैं। तो हमारे वहाँ आसपास मिर्ची ज्यादा होती है, तो बच्चों ने पूछा सर मिर्ची के सारे बीज ऊपर ही तैरते हैं, फिर वो क्या बेकार है क्या? छोटे छोटे बच्चों के प्रश्न इस तरह के आते थे, सर अभी गीत चुटकले कहानियां ये बोलते हैं ये कहाँ से आती है? एक बार एक बच्चे ने प्रश्न किया कि हम पानी को गर्म करते हैं या दूध, तो पानी तो बाहर नहीं निकलता लेकिन दूध बाहर क्यों निकल जाता है? गांव के अखबार में जो गतिविधि की, उसमें इस तरह के प्रश्न भी आने लगे। वो बच्चे ये भी कहने में नहीं हिचकते थे कि हमारे वहां बजरी का था धंधा, तो एक बार वहां कुछ पैसे ले दे के छोड़ने का मामला था ट्रैक्टर में, उन्होंने समाचार में लिख दिया आज इस तरह से पैसे लेके बजरी को ट्रैक्टर को छोड़ा गया। वो खुद मेरे लिए लिखते थे हंसराज जी सर लेट आते हैं विद्यालय में पढ़ने,
लेकिन इन सब बातों से मेरे मन में ये खुशी होती थी कि जो जज्बा जो चीज में इनमें पैदा करना चाह रहा हूं वो चीज इनमें पैदा हो रही है। यही एक मेरा उद्देश्य था कि बच्चा अपनी बात को निश्चित रूप से कह दे। तो इसी तरह के अनुभवों के साथ में विद्यालय में काम करता रहा। अध्यापक बनने के बाद भी और अध्यापक छात्र जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव है। इस किताब में भी यही बताया गया है कि एक बालिका, पूरी किताब संवाद शैली में है। आप आजकल नेट का जमाना है, हर जगह उपलब्ध है किताब, आपको पढ़ सकते हैं। जो मैं इस किताब से जो मैं प्रभावित हुआ हूं और जो चीजों को मैंने अपनाया, उन चीजों के बारे में मेरे अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं कि इस किताब में भी इसी बालिका और इनके बीच में यही संवाद है कि भाई हम आपके विद्यालय में पढ़ने आए तो क्यों आए, क्योंकि आपके विद्यालय में न तो हमारे लायक कोई किताबें हैं, न हमारे लायक कोई वहां पर ड्रेस है, न हमारे लायक वहां पर कोई खेल का सामान है, वहां के शिक्षक भी हमारे लायक नहीं है, तो फिर हम आपके विद्यालय में आए कैसे। बच्ची प्रश्न कर रही है बालिका कि आप पहले अपने विद्यालय को हमारे लायक बनाइए। उनके लायक विद्यालय बनेगा जब बच्चे नियमित आएंगे भी सही और सीखेंगे भी सही। अब ये दायित्व अपना भी बनता है, क्योंकि कहा भी गया है कि शिक्षक अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए भवन या अन्य सुविधाएं सरल तो बनाती है काम को, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है। पढ़ाई के लिए ड्रेस कोई मायने नहीं रखती, जैसी ड्रेस है उसमें भी बच्चा पढ़ सकता है। किताबों की देखें अपन तो किताबें कभी भी बच्चों से पूछकर, शिक्षकों से पूछकर, अभिभावकों से पूछकर नहीं बनाई जाती। बच्चों को क्या पसंद है वो चीजें अगर किताबों में होगी तो किताबों को अच्छे लगेगी। तो बच्ची बालिका यही प्रश्न कर रही है, तो गुरुजी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे स्कूल का सामान भी हम, तुम तुम्हारे जैसी ड्रेस पहन के आओ, खेल का सामान भी हम ले आएंगे, लेकिन तुम पढ़ने आओ। जब बच्चे विद्यालय पढ़ने आते हैं, बालक बालिका शुरुआत में, तो हम कुछ जानने के प्रयास में कितने किस तरह के प्रश्न करते हैं आप देखिए। हम पूछते हैं बेटे आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके गाँव का क्या नाम है। तो बालिका कह रही है इन प्रश्नों से मेरे को क्या मतलब है, क्या जानना चाह रहे हो आप मेरे बारे में। तो गुरुजी कहते हैं भाई जानना क्या चाह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपन दोनों आपस में, झिझक संकोच कम होगा ये होगा, नहीं तो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो पिताजी गांव और उससे मेरे को क्या मतलब है, मेरे से अगर आपको प्रश्न करने हैं तो इस तरह के प्रश्न करिए कि आप कौन सा खेल खेलते हैं, आपके कौन कौन से दोस्त हैं, आपके साथ कौन कौन से दोस्त खेलते हैं, आप खेलने का आपके पास क्या क्या सामान है, और आप खेलने में आपको मजा क्यों आता है। अगर अपन इस तरह से बात करेंगे तो बच्चों को फिर अपना विद्यालय और घर में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। दरअसल बच्चा विद्यालय से ज्यादा आजकल सब ये मानने लग गए, पहले तो ये भी था कि बच्चा कोरा कागज है, लेकिन अब ये धारणा खत्म हो चुकी है, कोरा कागज नहीं है। 6 साल का बच्चा सब कुछ सीख कर आ रहा है, तो वो जिस हिसाब से घर में सीखता है, घर में वो अपने आप सीख रहा है, अभिभावक माता पिता का देखकर सीख रहा है, दोस्तों से सीख रहा है और स्वतंत्रता से सीख रहा है। स्वतंत्रता भी हमारे को विद्यालय में, इसीलिए हम इसके पक्षधर हैं कि स्वतंत्रता से सीखने से बच्चे खुद के बारे में सोचेंगे, खुद की धारणाएं बनाएंगे, खुद का काम करेंगे, और वह धारणाएं फिर उनकी शिक्षा बनती है। सीखना भूल भी जाता है बच्चा, हम भी भूल जाते हैं, लेकिन अगर सीखने के बाद उसको आपने शिक्षा में कन्वर्ट कर दिया, यानी लर्निंग और एजुकेशन, ये दोनों चीजें अलग अलग है। पूर्व में अपने जो थी, पहले अपन विद्या जो बोलते थे, उसमें दोनों चीजें शामिल है। अर्जुन को जैसे मान लो तीर बाण चलाना सिखाया गया, तो उसको ये तकनीकी भी बताई गई थी, भाई धनुष कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा था। तो दोनों चीजें, यानी उसका सिखाई हुई चीज का उपयोग करना अगर वो नहीं सीख रहा है। अब आप देखिए आज स्वच्छता और इस पर सबसे ज्यादा बजट खर्च हो रहा है, जबकि अपन सबने स्वच्छता पे निबंध लिखा है, स्वच्छता के अपन ने बहुत सारे पाठ पढ़े हैं, लेकिन अब यहां फर्क क्या है, बस यही है कि अपना वो संस्कार नहीं बन पाया। सीखा है लेकिन उसको शिक्षा नहीं बनाया, और शिक्षा बनने के बाद वो संस्कार में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर आपके संस्कार कुछ बन जाते हैं तो फिर आप कभी जिंदगी भर उनको नहीं भूल सकते। जैसे एक दो चीजें हैं मेरी, जैसे अभी मेरा है कहीं भी जाऊं मैं, अगर चप्पल जूते लाइन से नहीं खुले हैं तो मेरी आदत है कि मैं खुद उनको व्यवस्थित कर देता हूं। अब ये कोई कहने की जरूरत नहीं है। एक जैसे कभी बिना काम, मान लो कोई बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है या बिजली का कोई भी साधन यूज नहीं हो रहा है, लाइट अपव्यय हो रहा है, तो मैं तुरंत उसको बंद करता हूँ। मेरे दिमाग में यही क्रोध जाता है कि यार ये गलत हो रहा है। अब ये जो चीजें हैं ये अगर अपन करते हैं तो ये जन्मजात चलती है।
और ये चीजें ही बच्चे के जीवन में काम आने वाली। तो इस किताब में इस तरह बताया गया है कि जब बच्चे से अपन बातचीत कर रहे हैं तो उसके काम की बात करें। फिर बच्ची कह रही है कि आपका जो पढ़ाने का डर रहा है कि आप सीधे किताब से पढ़ाते हैं, आप सीधे ऐसे अनार पढ़ाएंगे या कैसे कबूतर पढ़ाएंगे या जो भी है, आप कुछ मिला के फॉर्मेट के हिसाब से अपने चार्ट लगा दिया और उससे पढ़ाएंगे। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि भाई तू ये बता हम फिर कैसे पढ़ाएं तुम्हारे। तो बालिका जवाब दे रही है कि हमको आप ऐसे पढ़ाइए कि हम सब बच्चे हैं, हम सब बच्चों के आप नाम लिखना सिखाइए हमारे, हमको हमारा नाम अच्छा लगता है, नाम में भी तो वही अक्षर स्वर व्यंजन आ रहे हैं, उनसे हमारा नाम शुरू शुरू करवा दो, उनके आप कार्ड बना दो, उनसे हमारे को पहचान करवा दो, तो ये भी एक सीखने का तरीका है। तो गुरु जी को ये भी बात सही लगी कि वास्तव में तो ये सारी चीजें कहने का मतलब ये है इनसे बच्चों का जुड़ाव होता है। जिस हिसाब से जो तरीका उनका प्रोसेस घर में था वही विद्यालय में होना चाहिए, उसी को अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं और उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है और वो सारी इच्छाएं अध्यापक का काम है उन इच्छाओं को आगे बढ़ाता रहे, उन्हीं को लेते हुए उन्हीं के अनुभव को उन्हीं के प्रवेश को उन्हीं चीजों को लेते हुए वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। अब आप ताजुब करो, एक उदाहरण है, बच्चा घर पे कोई भी काम कर रहा है, जब उसको भूख लगती है रोटी निकाल के खा लेता है वो। अगर मान लो आपका बच्चा आपके विद्यालय में या आप में वो कोई भी है, उस समय मान लो अपन पढ़ा रहे हैं, वो थैले में से रोटी निकाल के अगर मान लो खाने लग जाए तो हमें कैसा महसूस? निश्चित रूप से हम उसको बंद करेंगे या कहेंगे बाहर जाके खाओ। तो उसको लगता है घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ कुछ है, तो ये स्कूल से भी उसको डर लगने लग जाता है। जबकि स्कूल ही सीखने का साधन है ऐसा नहीं, सबसे पहला स्कूल घर को बताया गया है, सबसे पहला गुरु माता पिता को बताया गया है। तो स्कूल के अलावा भी उन चीजों के बारे में हम बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों को हर चीज विद्यालय की एक दर्शिक महसूस हो जाती है। बच्ची कहती है आपकी घंटी से मेरे को डर लगता है, आपके प्रार्थना से मेरे को डर लगता है, आपके शिक्षकों से मेरे को डर लगता है, आपके जो शिक्षक हाजिरी लेने का जो तरीका है उनसे मेरे को डर लगता है, आपकी इन किताबों से मेरे को डर लगता है। तो वो कहते हैं भाई घंटी से कैसे डर लगता है, घंटी तो बजानी पड़ेगी ना विद्यालय में, सबसे पहले घंटी नहीं बजाएंगे हम तो विद्यालय में कैसे क्या होगा, घंटी से आपको कैसे डर लगता है? तो बच्ची कहती है कि आप फिक्स टाइम पे जो लंबी घंटी लगाते हो वो घंटी लगते ही हम सारे काम छोड़ के तुरंत भग के आते हैं, क्योंकि डर रहता है कि अगर लेट हो जाएंगे तो वहां पर सबके सामने अपने को पीट भी सकते हैं, नहीं तो अपने को कुछ भला बुरा भी कह सकते हैं। तो कब इसमें हम क्या करें, इसमें वो बच्ची का बालिका का सुझाव है कि आप 2 या 3 घंटी रखें, एक लंबी घंटी लगाएं 15-20 मिनट पहले, उससे हमें पता लगे भाई अभी तो 15-20 मिनट है, हम हमारे काम को आराम से करें, फिर दूसरी घंटी लगाएं और फिर तीसरी घंटी में आने का मतलब है तो हमारे डर नहीं रहेगा इस घंटी से। तो वही बात बालिका की सही बताई गुरुजी ने, की बात तो सही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ऐसे परिवर्तन हम विद्यालय में बिना किसी लाग लपेट के शिक्षक स्वयं कर सकता है। अब प्रार्थना में देखिए आप, हमने वहां प्रार्थना का रूप बदला है, आप वीडियो देखेंगे, हंसराज गुजर यूट्यूब चैनल है, हंसराज गुजर बनेटा लिख के आप चैनल सर्च कर लेंगे तो देखेंगे आप उसमें बच्चों को कितनी स्वतंत्रता से वो प्रार्थना में काम कर रहे हैं। कभी वो आयताकार में बैठते हैं, कभी वो त्रिभुजाकार में बैठते हैं, कभी वो गोले में बैठते हैं, कभी वो लंबवत बैठते हैं, जैसे उनकी इच्छा है जैसे बैठते हैं, कभी इस दिन इधर मुंह कर लिया, कभी इधर मुंह कर लिया, यानी उनको स्वतंत्रता है, जैसा वो चाहें हर दिन कुछ नयापन उनमें लाने की उनको सोचने के लिए हमने प्रेरित किया है। रोजाना संगीत में प्रार्थना होती है, 1 घंटे की संगीत में प्रार्थना होने से मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बूस्टर डोज होता है बच्चों को, उसमें इतने तन्मयता से बच्चे लगते हैं और सारी चीजों को बड़े ही आनंद के साथ वो उसमें सहभागिता निभाते हैं और वहीं से आपको बहुत सारी चीजें शुरू कर सकते हैं। एक बार इस तरह का प्रश्न भी था कि भाई शोर और संगीत में क्या अंतर है, तो एक बच्चे ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जब हम स्कूल आते हैं जो घंटी बजती है वो शोर है और जब वापस जाते हैं जो घंटी बजती है वो संगीत है। अब आप देखिए बच्ची का कितना मतलब बात छोटी है लेकिन कितना इसमें गूढ़ार्थ भरा हुआ है। तो हम इन चीजों को इन डरों को जब तक नहीं निकालेंगे, और मेरा तो कहना इतना है कि अध्यापक से मतलब स्कूल से बच्चे ने अध्यापक स्वयं भी अपने आप में डर महसूस कर रहा है। अब जो स्वयं अध्यापक डर महसूस कर रहा है अधिकारियों के दबाव से या अधिकारियों के चेक करने की वजह से या अपना रिजल्ट खराब होने की वजह से या कोई भी अभिभावक की वजह से कुछ भी डर से अगर कोई वो काम कर रहा है तो
तो उस काम के ज्यादा मायने अच्छे नहीं है, क्योंकि खुद डरा हुआ आदमी निश्चित रूप से बच्चों को भी डरपोक बनाएगा, और वो बच्चे डरे हुए रहेंगे तो जिंदगी में भी डरे हुए रहेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि MA पास है, BA पास है, लेकिन कलेक्टर साहब से 5 मिनट बात नहीं कर सकते। अब वो क्या शिक्षा है उनकी? उनकी शिक्षा, शिक्षा का मतलब तो यही है कि हौसला और ताकत मिलनी चाहिए थी उनको बात रखने की, लेकिन उनको नहीं मिली। इसका कारण यही है, इसका कारण यही है कि उनको इस तरह के अवसर नहीं मिले, और वह इस चीज को, उन्होंने शिक्षा को बस केवल पढ़ने तक सीमित रखा, व्यवहार में उसका उपयोग नहीं हुआ। साथ में किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को ले जाते हैं और उनसे बात करवाते हैं, मेंबर साहब है या कोई भी नेता है। ताजुब करेंगे आप, जब नोटबंदी हुई उस समय एक शिक्षक जी को यह पता नहीं था कि मेरे नोट, उनके नोट ATM में फंस गए। अब वो कैसे उनको निकाले, कहाँ एप्लीकेशन लिखे, एप्लीकेशन किसको लिखे, कैसे लिखे। अब ये क्या क्या उदाहरण है। तो इस तरह से शिक्षा का अपने को मायने समझने पड़ेंगे, और इन पुस्तकों के द्वारा, दिव्य स्वप्न अगर आप पढ़ते हैं, गिज्जुबाई की रत्नावली आप सब पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से सारी आपकी जो चीजें हैं वो क्योरी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरा इसमें यही मानना है कि जितना भी काम चाहे आप कम करें, लेकिन समझ के साथ करें। बिना समझ के साथ अगर अपन काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आने वाले नहीं है। इसकी एक कहानी भी है कि एक बार क्या होता है, प्रधान जी की एक बकरी बीमार हो जाती है, एक किसान की बकरी बीमार होती है पहले। तो उस बकरी के ये बीमारी थी कि मुंह से उसके लार पड़ रही थी। तो किसी ने कहा कि यार इस तरह की बीमारी तो प्रधान जी की बकरी के भी हुई थी, आप उनसे इलाज पूछो। तो वो उनके पास गया, उनसे पूछा, तो प्रधान जी ने कहा कि भाई हाँ हुई थी। तो साहब आपने क्या दवाई दी? कि हमने 1 लीटर उसको बोतल भर के केरोसिन का तेल पिला दिया। तो उसने भी आके बकरी को 1 केरोसिन बोतल भर के पिला दी। अब पिलाते हैं, बकरी मर गई। मरते हैं, उसको गुस्सा भी आया, वापस गया कि साहब आपने ऐसी क्या दवाई बता दी मेरे को, मेरी तो बकरी मर गई। तो प्रधान जी ने कहा कि भैया बकरी तो मेरी भी मर गई थी, बकरी तो मेरी भी मर गई थी। मतलब उसने उस बात को समझा ही नहीं। आगे उसको ये पूछना चाहिए आपने दवाई दी तो उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कोई भी जो गतिविधि करा रहे हैं या कोई भी जो काम कर रहे हैं, उसका शिक्षक के पास प्लान होना चाहिए। शिक्षक के पास में उस सारी चीजों का, ये नहीं कि भाई वहां हमको बताया या हमने उसमें देखा। ये जो है अपने प्रवेश, अपने बालकों का अलग भी हो सकता है, केवल इनसे अपने को एक आधार और इनको काम के तरीके का अपने को तरीका मिलता है। बाकी अपने को अपने प्रवेश में, अपने बच्चों के साथ उसको अपने दिमाग से खुद सोचकर उसको काम में लेना पड़ेगा। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। इसी तरह से इस पुस्तक में सोचने पे बहुत ज्यादा काम दिया गया है बच्चों। अगर हम सोचना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा भी मानना है कि बच्चे का अगर थिंकिंग पावर आपने डेवलप कर दिया, सोचने की शक्ति अगर उसने डेवलप कर दी, तो बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि सोचेगा वही लिखेगा, सोचेगा वही बोलेगा, सोचना ही उसका हर क्षेत्र में काम आएगा। सोचने के लिए आप विद्यालय में बहुत सारी चीजें करते भी हैं, और इस किताब में भी उन पे बहुत सारा बताया गया है। तो उन सब चीजों के बारे में लगभग लगभग इस किताब को अगर पढ़ने के बाद ऐसी कोई क्यूरी मेरे को लगती नहीं है कि कहीं आपके दिमाग में बाकी रह रही हो। और बच्चों को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण है, एक बार एक बच्चे को मैंने पूछा कि केले का रंग क्या होता है, तो उसने कहा सफेद। मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन इन चीजों को पढ़ने और के बाद में, और ये काम करता तो मेरी ये मेमोरी बन गई थी। मैंने बच्चे को बुलाया, शाबाश बेटा इधर आओ, क्या बात है, आपने कैसे बताया सफेद रंग? तो उसने कहा सर वो केला छिलका करते हैं, अंदर से सफेद निकलता है। अब केले का रंग सफेद बच्चे ने बताया, वो आपके प्रश्न को किस संदर्भ में लेना आपका दायित्व था, उसको उस बात की बातचीत करना। अगर अपन वहां वो नहीं करते हैं तो वो बच्चा ये धारणा बनती कि यार मैं सही बता रहा हूँ, फिर भी मेरा गुरुजी ने बैठा दिया या मेरे को डांट दिया, क्या 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 है ये। तो कई बार अपन प्रश्न गलत कर बैठते हैं, उत्तर जो चाहते हैं उसके संदर्भ में प्रश्न सही नहीं होता है। झंडे में कितने रंग होते हैं? 5 लिखेगा बच्चा, उसने पतरंगी झंडा अपने देवता का देखा है, गाँव में देखा है। तो प्रश्न अगर आप तिरंगा लाना चाहते हो तो प्रश्न भी इसी तरह का होना चाहिए कि जिसका आप जो उत्तर चाह रहे हैं तो प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम जो विद्यालय में कर सकते हैं, और इस पुस्तक के अंदर लगभग 39 यूनिट है, और एक से एक बेहतरीन यूनिट है।
शिक्षकों के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, किताबों के बारे में, इन सबके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो अब मैं लगभग मेरी बात हो गई, कोई कमेंट्स में कोई चीज होगी तो मैं देख रहा हूँ, बाकी कोई और भी सवाल हो किसी साथी के तो वो कमेंट्स में कर सकते हैं। और अब मैं कितना इस चर्चा में सफल हो पाया हूँ मेरी बात आपको कहने में, और ये जिज्ञासा या जो एक हूक है किताब पढ़ने की, वो अगर पैदा कर पाया हूँ मैं आपके जहन में, तो निश्चित रूप से मेरा ये सार्थक रहेगी चर्चा। और मेरा यही कहना है कि आप सबको पढ़ना चाहिए, जितने भी साथी इस चर्चा में शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जनसरोकार मंच को मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि इस तरह के अवसर हमारे जिले में वह उपलब्ध करवा रहे हैं शिक्षक साथियों की, और अन्य जो सामाजिक सरोकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, या कोई भी जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ करने का उनमें मादा है, उनको वह आगे बढ़ाने का मंच प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे जनसरोकार मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। राम रतन जी ने लिखा है रुचिकर संवाद, बहुत अच्छा। नमस्कार राम रतन जी, मधुकर चतुर्वेदी जी भी अच्छा लिख रहे हैं। संस्कारों के साथ स्वच्छता विद्यालय के वातावरण को प्रभावी बना सकता है। सही बात है मनोज जी, विद्यालय के वातावरण को तो प्रभावी बनाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता से जो काम होते हैं उनमें अध्यापक का भी तनाव कम हो जाता है सर। अगर अध्यापक का बच्चे स्वयं निर्णय लेने लग जाएंगे और स्व अनुशासन धीरे धीरे उनमें पैदा होगा, ये बात जरूर है कि इसके लिए शिक्षक को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, काम में समय लगता है, बाकी जब होगा वो स्थायी काम होगा। बहुत अच्छा मनोज जी सर। ज्यादातर लोग पढ़ते हैं और टिप्पणी करते हैं, इतिश्री मान लेते हैं। सतीश जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी बहुत अच्छा लगा सर। हेमचंद जी भाई साहब, रामलाल जी चौरासिया जी, मनोज जी गुजर, भागचंद जी, किरण जी शर्मा, उमा शंकर जी शर्मा, देवनारायण जी, संजय जी, जयचंद जी, मनोज जी, कैलाश जी, मुरलीधर जी। मुरलीधर जी भी बहुत अच्छा संवाद चला रखा है साहब मालपुरा में, और बराबर में जितना भी मेरे को मतलब मौका मिला मैं सुनता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब विषय लिए हैं इन्होंने। बहुत बहुत आभार मुरलीधर जी आपका। बनवारी लाल जी नमस्कार। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। कैलाश जी का मैं बहुत आभारी रहूँगा कि आप इस चर्चा में जुड़े सर, बहुत खूब सर। राजेश जी जज साहब नमस्कार। जसवंत जी नमस्कार सर, टाइट से हैं जसवंत जी भाई साहब। देवेंद्र जी भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार, शुरू में मैं नहीं देख पाया था, अब देख रहा हूँ सर। गांव का अखबार पर विस्तार से बात करना है। हाँ सर, ये गांव का अखबार की गतिविधि बहुत ही इंटरेस्टेड गतिविधि है सर, और इसमें इतने सारे काम, कम से कम भाषा शिक्षण के लिए तो इतने सारे काम आ जाते हैं सर कि आपको किताब की कहीं जरूरत ही नहीं है। आप उनके आधार पर पूरी भाषा की जितने भी चीजें हैं, चाहे आप वह भाषा का व्याकरण ले लो, भाषा की शुद्धि का ले लो, भाषा के अर्थ का ले लो, भाषा के विराम चिन्हों का ले लो, मतलब हर तरीके का काम आप वहां से शुरू कर सकते हैं। और उसका फर्क ये भी पड़ता है कि बच्चे सोचना भी शुरू करते हैं, और उसी तरीके का वो दिन भर समाचार रहते हैं, तो बहुत से बच्चे उनको पढ़ना भी आसानी से उनका हो जाता है, बहुत से शब्द बार बार दोहराते हैं, तो उससे भी बच्चों का बहुत ज्यादा मतलब परिचित हो जाने में उनको बिना आपको। मेरे पास ये बहुत सारे काम पड़े हुए हैं सर विद्यालय के बच्चों के, ये इस तरह का काम है सर, ये आपको शायद इधर से सही नहीं दिखे, ये मन की बात का बना रखा है बच्चों ने, और एक धनराज बच्चा है, वह कोई भी हम कार्यक्रम करते थे स्कूल में तो उसका पूरा प्रतिवेदन बच्चा लिखता है, और उस प्रतिवेदन पर आपको मैंने रामलाल जी हमारे एपीएफ से जो हमारे एलआरसी में है वो भी वहां देखा है, उन्होंने भी मतलब पूरे कार्यक्रम का, और वो उस समय पांचवी में, इस साल सातवीं में गया, वो उस समय पांचवी में था, दो तीन साल पहले की है, तो उस समय इस कोई भी उत्सव मनाओ, कोई भी जयंती मनाओ, कोई भी पर्व मनाओ, उसकी पूरा प्रतिवेदन बच्चा लिखता है।
अब ये मैं मानता हूं कि ये मैंने जो अखबार की गतिविधि की है और सोचने की जो क्षमता कल्पना शक्ति का जो मैंने विकास बच्चों में करवाने की कोशिश की है उसका परिणाम है ये। नहीं तो सर अपने बहुत सारे अध्यापक भी रजिस्टर को इधर उधर करते रहते हैं, नहीं आप लिख लो आप लिख लो, लेकिन हमने उसको बकायदा वही टेबल कुर्सी देते हैं कार्यक्रम के शुरुआत में, वहां बिठा कर उसको कहते हैं भाई आप लिखेंगे, और वह हर छोटी छोटी बात को भी, अभी अपने पास समय नहीं है तो इनको पढ़ के सुना था मैं, निश्चित रूप से सबको उसमें शामिल कर लेता है। ये बहुत उड़ी बड़ी खुशी है उसकी, मतलब खूबी है उसकी। इसी तरह का छोटे छोटे बच्चे मतलब अपने हाथ से पेंटिंग करेंगे और पेंटिंग के नीचे कुछ ना कुछ वो लिखेंगे, ये पेंटिंग कर रहे हैं, इसमें आप उनको साप्ताहिक रूप से पन्ने ही तो लगेंगे और कुछ नहीं लगेंगे, लेकिन इतने दक्षितों के काम करते हैं और इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं कि वास्तव में अपन खुद से नहीं बनते इस तरह के चित्र। और उन चित्रों के बारे में उनके पीछे कुछ आप लिखवा भी सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों ने पीछे कुछ लिखने का भी प्रयास किया है, तो इस तरह का बहुत सारा काम विद्यालय में हम इस तरह से इन पुस्तकों के आधार पर ही मैंने देखा है। ये कविता है, ये कविता पहले जैसे छोटी कविता है उसको फिर वो आगे कैसे बढ़ाएंगे ऐसा भी काम किया है। ये है जैसे कविता को कोई भी विषय दे दिया, मोर दे दिया, खरगोश दे दिया, चिड़िया दे दी, फूल दे दिया, पतंग दे दिया, उसमें तीन चार लाइनें लिखना उनका। और पहले इस तरह का काम अपन भी उनके साथ करते हैं, तुकबंदी से शुरू करते हैं, लेकिन ये सारा काम मैं मानता हूं कि अगर अपन सोच सोच सोचने की शक्ति अगर डेवलप करेंगे बच्चों में तो निश्चित रूप से इन सब कामों में शब्दों से कहानी बना रहे हैं बच्चे। 8-10 शब्द दे दिए और उनसे कहानी बना रहे हैं। अब आप देखिए उन शब्दों को मिलाना, वाक्य को लाना और क्रमदा साथ में घटना का उसमें कुछ घटना बनाना, इन सारी चीजों के पीछे जो तर्क और चिंतन उनके दिमाग में चलता है, मेरा ऐसा मानना है कि सही शिक्षा और सही समझ का काम जो उनके जीवन में काम आएगा वो यही है सर, और यही उनके मतलब हमेशा उपयोग में आने वाली चीज रहेगी। बाकी और सब चीजें तो परीक्षा के लिए, परीक्षा में पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बाकी बाद में कुछ उसके काम आता नहीं है। तो अपने को इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना, तो इस सारी किताब का ये एक मजमून मोटा सा मोटा मैंने आपके सामने रखा है। नासिर जी हुसैन बहुत अच्छा, सर नासिर जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे हमारे ब्लॉक में, अभी टोंक में सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की चर्चा में सब भागीदारी की, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार कि आपने सबने मेरा मनोबल बढ़ाया चर्चा में शामिल होकर, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।